बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हमने कैसे एक प्लेन ड्राफ्ट करनी है। लाइक अगर किसी दो पार्टीज में कोई एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट टू सेल हाउस है, शॉप है, कोई भी है, और वो अपना एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करता, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कैसे जो है वो प्लेन ड्राफ्ट करेगी या करवाएगी, उसके बारे में हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि जो जो डिफेंडेंट है, जो दूसरी पार्टी है, वो उसको कैसे आंसर करती है। तो कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राफ्ट करते हुए माइंड में रखनी है, तो मैं आपको वन बाय वन करके बताती चलती हूँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसे ही प्लेंट आपकी जो है वो सिविल कोर्ट में जाएगी, सिविल कोर्ट जो दूसरी पार्टी है उसको वो जो है वो समन भेजेगी कि आए और आके अपना जो है व्यू पॉइंट बताए कि उसके अगेंस्ट इस तरह से एलिगेशन है, तो उसके बारे में जो है वो आके आंसर करे। अब जो रिटन स्टेटमेंट है उसमें उसने ये करना है कि जो भी पैरावाइज उसने अपनी प्लेट में चीज़ें लिखी होंगी, जो डिफेंडेंट होगा उसने पैरावाइज ही उसको रिप्लाई करना है। उसने हर एक चीज़ का जो है उसको आंसर करना है। लेट्स सपोज अगर वो कोई एक चीज़, कोई एक भी पैरा है या कोई एक भी ऐसी स्टेटमेंट है जो डिफेंड उसने प्लेंटिफ ने अपनी प्लेट में लिखी है, लेकिन जो डिफेंडेंट है वो उसको इग्नोर कर देते हैं, उसका आंसर नहीं करता, तो इसका मतलब है कि उसने उस फैक्ट को एडमिट कर लिया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। वैसे ही पेपर में आप ऊपर लिखेंगे रिटन स्टेटमेंट, उसके बाद आप शुरू करेंगे इन द कोर्ट ऑफ। अब आप वहाँ पे तो उन्होंने सिविल कोर्ट लिख दिया था, क्योंकि अभी जज कोई डिसाइडेड नहीं था कि किसके पास ये जो है वो उसकी प्लेट या उसका केस जाएगा। तो यहाँ पे उसने जो रिटन स्टेटमेंट उसमें उस जज का नाम लिखना है। लेट्स सपोज मिस्टर अब्दुल मतीन, सिविल जज फर्स्ट क्लास, ठीक है, लाहौर है, क्योंकि जो जुरिस्डिक्शन हमारी जो प्लेट की थी उसमें हमने लाहौर ही डिस्कस किया था, इसलिए हम यहाँ पर भी लाहौर ही डिस्कस करेंगे। तो लिखना है इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर अब्दुल मतीन, सिविल जज फर्स्ट क्लास लाहौर, सिविल सूट नंबर। कोई जो भी सूट होता है तो उसके ऊपर जैसे ही वो कोर्ट में जाएगा तो उसको कोई ना कोई उसका नंबर जो है वो असाइन कर दिया जाता है, तो वो फिर थ्रू आउट जब तक केस चलता है, प्रोसीडिंग चलती रहती है, वही उसका सूट नंबर रहता है। तो यहाँ पे अगर सिविल सूट आप लिखेंगे, लेट्स सपोज कोई भी है 1, 2, 3 अबली, जो जिस ईयर होगा, जिस ईयर में वो सिविल सूट चल रहा होगा वहाँ पे उसका अबलीग जो है उसका वो डिजिट डाल दिया जाएगा। फिर वो लिखेगा इन रिप्लाई। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप उसने सूट का टाइटल देना है। जैसे हमने पीछे एक पार्टी हमारी फर्ज करें अली रजा थी और दूसरी जो डिफेंडेंट है वो मोहम्मद अली है, तो यहाँ पे लिखेंगे अली रजा वर्सेस मोहम्मद अली। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने नीचे जो टाइटल होगा सूट का, जो हमारी प्लेट में टाइटल था वो ही लिखना है। सूट फॉर पोजेशन ऑफ अ हाउस नंबर 123B मॉडल टाउन लाहौर थ्रू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट डेटेड, जिस डेट को एग्रीमेंट हुआ था वो यहाँ पे डेट लिखी जाएगी। रिटन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट। अब ये जो रिटन स्टेटमेंट जो आंसर दिए जा रहे हैं ये उसका डिफेंडेंट आंसर कर रहा है। अब जैसे ही इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिटेड एज अंडर नंबर वन। अब नंबर वन आपने देखना है कि आपने प्लेट में क्या लिखा है। जैसे हमने हमारा जो नंबर वन प्लेट में था वो ये था कि द डिफेंडेंट पास ऑनर ऑफ द हाउस नंबर 123B मॉडल टाउन लाहौर 10 वर्ला एज पर रिकॉर्ड, जो भी उसका खाता नंबर, खतूनी नंबर, खसरा नंबर था वो लिखा हुआ था। अब रिटन स्टेटमेंट में अगर तो ये सच है और जो जो डिफेंडेंट है वो इस चीज़ को एडमिट करता है, तो वो लिखेगा नंबर वन लिखे के आगे लिखेगा एडमिटेड, यानी कि मैं इसको एग्री करता हूँ कि इसने जो नंबर वन में चीज़ लिखी है वो एज इट इज़ है, मैं इसे एग्री करता हूँ। अब नंबर टू भी आएंगे, फिर हम देखेंगे प्लेट का नंबर टू क्या था। दैट प्लेंटिफ एंटर्ड इनटू अ सेल एग्रीमेंट ऑफ हिज हाउस अबव स्टेटेड ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड साइंड बाय द डिफेंडेंट ऑन जो भी डेट थी, द कॉपी ऑफ द सेल डेट इज अटैच्ड विद दिस सूट। अब ये लिखा था प्लेंटिफ ने कि हमारा एग्रीमेंट इस डेट को हुआ था और ये हमने कॉपी साथ अटैच की है। अब नंबर टू पे अगर तो जो डिफेंडेंट है उससे एग्री करेगा कि हाँ भाई हमारी सेल डेट हुई थी, इस डेट को ही हुई थी, वो फिर लिखेगा एडमिटेड, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन आगे से नहीं देगा या कोई आर्ग्यूमेंट वो आगे से नहीं करेगा। अच्छा जी, अब नंबर थ्री क्या था जी हमारी प्लेट का। दैट द बाउंड्रीज ऑफ द हाउस आर एज फॉलोज, वो सारी जो उसके ईस्ट में था, वेस्ट में था, नॉर्थ में था, जो भी था वो सारी इसमें डिस्क्रिप्शन दी गई थी, और अगर डिफेंडेंट इसको एग्री करेगा तो फिर लिखेगा नंबर थ्री के आगे भी एडमिटेड। अच्छा जी, और आगे फिर नंबर फोर आ गया। दैट द प्लेंटिफ पेड अ सम ऑफ 10 लाख
टू द डिफेंडेंट इन कंसिडरेशन ऑफ दिस हाउस बट वन वे आर द अदर द डिफेंडेंट इज रिफ्यूजिंग टू हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ द सेट हाउस टू द प्लेंटिव. अब नंबर फोर में प्लेंटिव का ये कहना था कि उसने 10 लाख रुपये इस घर को खरीदने के लिए दिए हैं उसको और अभी तक लेकिन जो डिफेंडेंट उसने उसको पोजेशन नहीं दी. अब ये है कि रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट का क्या है, वो कहता है नंबर फोर पे आगे वो लिखता है डिनाइड, यानी कि वो इसको एडमिट नहीं करता. फिर वो इसको बताएगा कि वो इसको एडमिट क्यों नहीं करता. अकॉर्डिंग टू द सेल एग्रीमेंट अटैच्ड बाय द प्लेंटिफ विद दिस सूट द प्लेंटिफ पेड अ सम ऑफ 7,50,000 एंड सम ऑफ 2,50,000 इज स्टिल टू बी पेड बाय द प्लेंटिफ टू द डिफेंडेंट. It was agreed as also written in the sale agreement that the defendant will be liable to hand over the possession of the house to the plaintiff only when the plaintiff will pay the remaining amount of the 2,50,000 to the defendant. अब चौथे क्लास में या चौथे पैराग्राफ में वो इसको डिनाई कर रहा है और वो कह रहा है कि बात ये हुई थी कि 10 लाख में मैंने इससे घर खरीदा है और इसने मुझे 7.5 लाख दिए और 2.5 लाख अभी इसके ऊपर ड्यू है वो जब, और बात ये हमारे एग्रीमेंट में लिखी गई है कि जब वो मुझे 2.5 लाख पे कर देगा तो मैं उसको घर की पोजेशन दे दूँगी. अच्छा जी, अब नंबर फाइव देखेंगे कि प्लेंटिफ ने क्या लिखा है, मुदई ने क्या लिखा है, मुदई अलह के आगे जी ने डिफेंडेंट क्या कहता है. अब नंबर फाइव में कहता है जी दैट ऑन डेट, जिस डेट को एग्रीमेंट हुआ द प्लेंटिव visited the defendant and requested him to hand over the possession of the said house purchased by the plaintiff but the defendant flatly refused to do so hence this suit. अब नंबर पाँच में उसने ये कहा है कि उसने इस तारीख को उसका विजिट किया लेकिन डिफेंडेंट ने इसको पोजेशन देने से इनकार कर दिया. नंबर फाइव पे फिर डिफेंडेंट आगे से क्या उसकी एक्सप्लेनेशन देता है, वो कहता है डिनाइड, यानी कि वो इसको एग्री नहीं करता. द प्लेंटिव हैज़ नो will to perform his part according to the sale agreement because he had not paid the remaining amount of 2,50,000 to the defendant. The defendant is ready to perform his part according to the sale agreement and to hand over the possession of the house to the plaintiff if the plaintiff pays the remaining amount. वो कहते हैं कि ठीक है ये मेरे पास आया, अगर आया भी है तो इसने जो इसका पार्ट था रिमेनिंग, यानी जो उसने 2.5 लाख मुझे देना था उसने नहीं दिया, तो मैं अपना जो एग्रीमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए जो है वो रेडी हूँ, लेकिन ये अपना जो इसका रिमेनिंग अमाउंट है वो मुझे पे करे उसके बाद. अच्छा जी, अब नंबर सिक्स पे, नंबर सिक्स पे उसने बात की है उसकी के कब उसका काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो ये लीगल चीज़ें हैं. यहाँ पे डिफेंडेंट इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगा. नंबर सिक्स लिख के आगे लिख देगा कि लीगल. उसके बाद नंबर सेवन है दैट द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट रिजाइड एट लाहौर, यानी जुरिस्डिक्शन की बात करें नंबर सेवन में, वो इसके बारे में भी कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा कि लीगल है डेफिनेटली, कि लीगल चीज़ें जुरिस्डिक्शन डिफाइन करना या जो भी एडमिट करना. अच्छा जी, नंबर एट पे एक सूट वैल्यूएशन की बात करता है कि इस हमारी जो जो इशू बन रहा है प्रॉपर्टी का वो इतने लाखों की और इतनी उसकी कोर्ट फी है, तो ये भी कि लीगल रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ इसके आगे भी वो लिख देगा कि ये लीगल है. उसी तरह से जैसे प्लेंटिव ने प्रेयर की थी एट द एंड, उसी तरह से डिफेंडेंट भी अपने रिटन स्टेटमेंट में एंड पे प्रेयर की हेडिंग देगा, जो भी उसके एक दो डिमांड्स होंगी वो इस पर लिख देगा. जैसे मैंने एक दो लिखी हुई मैं आपको बताती हूँ. ए पे ए मतलब या सब क्लास वन भी आप कर सकते हैं. दिस सूट में काइंडली बी डिसमिस्ड. अब इस वो कह रहा था कि उसका जो उसके सूट जो उसका केस उसको डिक्री किया जाए, और ये कह रहा है कि उसको डिसमिस कर दिया जाए. हैवी कॉस्ट मे आल्सो बी अवार्डेड टू द डिफेंडेंट, और अगर कोई मतलब कोई भी ऐसे कोई भी कॉस्ट है उसको डिफेंडेंट को दी जाए. एनी अदर रिलीफ डीम्ड पॉसिबल बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट मे आल्सो बी ग्रांटेड, तो कोई और भी रिलीफ अगर कोर्ट समझती है या पॉसिबल है कि मुझे दिया जाए तो कोर्ट मुझे अवार्ड करे. उसके बाद डिफेंडेंट होगा थ्रू काउंसिल और नीचे उसके काउंसिल ये उसके लाए के साइन हो जाएंगे. उसके बाद वैसे ही वेरिफिकेशन इसकी भी होगी, वो कहेगा वेरीफाइड ऑन ऑथ एट लाहौर ऑन दिस जो भी डेट होगी ऑफ मंथ जो भी है ईयर आगे लिखा जाएगा दैट द कंटेंट ऑफ दिस रिटन स्टेटमेंट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू माई बिलीफ एंड नॉलेज. उसके बाद डिफेंडेंट अपने साइन कर देगा. तो ये थी रिटन स्टेटमेंट. तो रिटन स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए या इसको सीखने के लिए याद करने के लिए आप लोगों को प्लेट को सामने रखना है और आपने फिर उसके आंसर जो है वन बाय वन करने हैं, जैसे मैंने आपको साथ प्लेट भी पढ़ के बताई है और आपको उसके बाद बताया कि आपने रिटन स्टेटमेंट में इसको कैसे जो है वो लिखना है. तो मकसद सिर्फ आप लोगों को कल सिर्फ प्लेट इसलिए मैंने बताया था ताकि आप पहले प्लेट को देखें फिर आप उसके बाद रिटन स्टेटमेंट की तरफ आएँ कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है.
तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें हैं जो आप लोगों ने इनको सीखना है, और ये चीज़ें आपकी पूरा जितना भी आपका जो लीगल करियर है उसमें काम आएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।